जय मसीह की। बेथलहम चर्च हिंदी सर्विस के इस लाइव आराधना में आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित हैं और एक और दिन प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबके लाइफ में एक सौभाग्य दिए हैं। तो क्या हम लोग प्रभु की सन्निधि में आकर चरणों में प्रभु के चरणों में बैठ कर हम प्रभु की धन्यवाद देंगे कि प्रभु पिछले एक हफ्ता आपने सुरक्षित तरीके से हमें चलाए। प्रभु आपकी आशीष हमारे साथ बना रहा, आपकी सहायता हमारे साथ बना रहा जब काफ़ी लोग इस धरती को छोड़ कर चले गए, परंतु प्रभु आपकी असीम कृपा हम सबके साथ रहा। तो क्या हम लोग प्रभु की धन्यवाद देते हुए आज के इस लाइव आराधना को प्रार्थना करके शुरू करें। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय हम लोग आपके चरणों में आते हैं। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आप ही हमारा परमेश्वर जो पिछले एक हफ्ता हमें सुरक्षित तरीके से हमें चलाए प्रभु जी। बहुत सारे मुसीबतों के मध्य में भी आप हमें संभाल कर चलाए। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की इस लाइव आराधना को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। इस रविवार आराधना में आपकी सामर्थ्य से हमें भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम मांगते हैं प्रभु जी। विविध जगहों से जुड़े हुए सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी असीम सानिध्य प्रभु जी, प्रभु जी आपकी प्रभु जी असाधारण तरीके की जो सामर्थ्य प्रभु हर एक घरों में, हर एक शक्तियों और हर एक शरीरों के अंदर प्रभु जी भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम मांगते प्रभु जी। हमें आप सहायता कीजिए, आज की आराधना को आप स्वीकार कीजिए, वचनों के साथ हमसे बात करिए प्रभु जी। आज की जो प्रभु जी पूरे सर्विस को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई प्रभु जी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें चलाइए, आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। इस समय गीतों की स्तुति और आराधना करेंगे ओवर टू वर्शिप टीम। जय मसीह की। एक और रविवार परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया है, क्यों ना एक धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को आप दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम फिजिकली यहाँ पे तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जहाँ कहीं भी हम हैं परमेश्वर का सानिध्य वहाँ जरूर रहेगा। जी, जिस प्रकार वचन में कहता है मेरा मसीहा उसको पाने के कारण मेरा जिंदगी बदल जाता है, जिस प्रकार शलमोन की किताब में हम पढ़ते हैं वधु कहती है कि मैं शारोन का वो गुलाब हूँ और तू मेरा मसीहा है। आइए इस गीत को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। आज अपने प्रेम का इकरार जो है अपने मसीहा से आप करने को तैयार हैं, गीत को गा के हम उसकी आराधना करेंगे। प्रभु तू ही मुझे जल देता है, तू ही मुझे तृप्त करता है। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। शारों गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा।
मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों गुला है तू मेरा मसीहा। शारों का गुला है तू मेरा मसीहा। वो अग्नि है जिसमें मैं समाना चाहता हूं, मेरे अंदर खारी कर खुदा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। हाँ स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। हाँ स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है तेरा हूँ। तू मेरा है
मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ओ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन बस तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ यीशुआ यीशुआ, प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना हमेशा यही रहने पाए कि प्रभु जी मेरे जीवन में हमेशा महिमा तुझको मिलने पाए। अनेक परिस्थितियों में चाहे हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हमेशा आपको धैर्य करने वाली यह बात रहती है कि मेरे जीवन में पर मैं हमेशा महिमा उसी को दूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जब हम उसको हर एक चीज़ में महिमा देने लगते हैं हमारे जीवन बदलने लगता है। जी कोई व्यक्ति कोई भी चाहे जिस पे आप आश्रय लेते हैं उस पे आप जो है निर्भर ना रहे, क्योंकि आपको चलाने वाला सृष्टिकर्ता यीशु मसीहा है जिसने आपको बनाया है। आपके शून्य अवस्था से जहां से आपको रचकर गढ़कर बनाकर आपको इस स्थान पर लेके जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो कहता है कि आज मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्या वो रिश्ता कायम करना चाहता है मेरे साथ। आइए अगले गीत जो गाएंगे और कहेंगे उसकी आराधना करेंगे, मैं आनंद से गाऊंगा जीवन भर उसकी ही स्तुति करूंगा जिसने मुझे रचाया। तालियों से उसकी आराधना करेंगे। इस जहाँ की मुसीबतें क्या कहेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की मुसीबतें क्या कहेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। वो छुड़ाने वाला मेरा मसीहा बाप की दलदल से खींच कर मुझे जो है उत्तम स्थान में लेकर के ठहराने वाला। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन को। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन को। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरा माँ
मेरा पिता वो यीशु ही है जिसमें मैं एकदम से निर्भर और विश्वास कर सकता हूँ। माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मैं संकट में था, मैंने उसको पुकारा, वो निकट आकर मुझे जल्दी से संभाल लिया। उस जहां की मुसीबतें क्या कहेंगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। उस जहां की मुसीबतें क्या कहेंगी, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूँगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु। वो मेरा माता माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। तो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना
मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, हाँ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ जब भी हम ऐसे गीतों को गाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे अधरों में नया गीत देता है। कितने लोग, एक उद्धार का गीत, जी हाँ, छुटकारे का गीत, चंगाई का गीत, आप तैयार हो जाइए एक नए प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए। जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, मेरा पिता स्वर्ग से एक नया अभिषेक लेकर आपको उठता है। मैंने अपनी जिंदगी में एहसास किया है, जब भी हम आराधना में जाते हैं, कुछ पल अपने कमरे में जब बैठकर घुटने टेक कर जब हम उसकी आराधना करते हैं, स्वर्ग को छोड़कर मेरा पिता मेरे बगल में आके बैठता है और कहता है मैं तेरे साथ हूँ। एक ऐसा इत्मीनान और तसल्ली मुझे उस वक्त मिलता है जो दुनिया का कोई भी कम्फर्ट मुझे नहीं दे सकता। जी हाँ, जब उसके सानिध्य में हम कुछ देर बैठते हैं, घुटने टेक कर जब उसकी आराधना करते हैं, मेरा पिता अपनी बाहों में मुझे ले लेता है। क्या उस एहसास को आज आप प्राप्त करेंगे? घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखें हम मुड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखें हम मुड़ना उसे, परो पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो मेरा पिता है जो मुझ पर तरस खाता है, मेरे पाप पूरब से पश्चिम तक, लेकिन उसने मेरे गुनाह को अपने लहू से धो दिया। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर के हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता मां से तरह उसने से प्रेम किया, दुनिया के खतरों में हमें छोड़ा नहीं, अपने वचन को देकर हमारे अंदर एक नई जिंदगी वो देता है। माँ की
तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता मैं, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता मैं, वो मेरा चरवाहा बनकर मैं उस पर ऐसा आश्रय ले सकता हूं कि संसार में वैसा कहीं हमें नहीं मिलेगा। वो अपने अपने आप को कुर्बान कर दिया मुझे और आपको बचाने के लिए, और वो तसल्ली हमें उसके हाथों में मिलती है। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की गीत से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की गीत से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद यीशुआ, तेरी आराधना। प्रभु जी, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु जी तूने हमारे हाथ को थामा है, चाहे संसार में कितनी भी मुसीबत और मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन चरवाहे के समान तू हमारे साथ चलता है। पिता प्रभु जी, तूने हमें वो अभिषेक से चलाया है, हमें आगे बढ़ाने वाला मेरा जिंदा खुदा है। सारी चीजों में आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम पे हम मांगते हैं खुदा, आमीन आमीन। आज बेथेल कलीसिया के हर मेंबर को और हमारे साथ जुड़े हुए हर भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। मई महीने के पहले इतवार के दिन आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु के वचन मनन करने को और प्रभु के वचन से सेवकाई करने के लिए जो हम जुड़े हुए हैं, आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रेयर करके शुरू करते हुए वक्त से लेकर हमारे स्तुति आराधना में, और आज जैसे ही प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, प्रभु की उजियाला, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आशीष और अनुग्रह हम पर बने रहने के लिए हमारे जिंदगी को तैयार करें। आने वाले करीबन 30 मिनट हम प्रभु के चरणों में अपने आप को तैयार करें, प्रभु हमें आशीषित करें। पिछले रविवार के दिन हमने ये सोचा था, मनन किया था कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें अपने आप को ठीक तरीके से संभालना है। हमने पहले भी हमारे आराधना में कहा था कि जब प्रभु ने हमें रच लिया, उससे पहले जब प्रभु ने हमें सृष्ट किया, प्रभु का सृष्ट करना एक प्रोसेस था, प्रोग्रेसिव था, एक स्टेप बाय स्टेप था। अगर आप याद करते हैं, हमने ये कहा था कि जब प्रभु ने उत्पत्ति के किताब में सबसे पहले आए हम मनुष्य को सृष्ट करें, तब प्रभु ने हमें एक आत्मिक तौर से सृष्ट किया था। और उसके बाद दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि
इस धरती से मिट्टी लेकर प्रभु ने एक शरीर रच लिया, और उस शरीर में जब मनुष्य को डाल दिया तब मनुष्य एक जीवित देव बन गया। हम समझते हैं कि हम एक आत्मिक व्यक्तित्व हैं, हम आत्मिक लोग हैं, वी आर स्पिरिट बीइंग्स, हम आत्मिक लोग हैं। हमारा एक मन होता है और हमारा हम शरीर में रहते हैं। हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारा एक मन होता है और हम शरीर में रहते हैं, शरीर में बसते हैं। और इस शरीर के बारे में पिछले इतवार के दिन हमने ये देखा कि हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस शरीर में हम जो आत्मिक व्यक्ति लोग हैं रहते हैं, इस शरीर में पवित्र आत्मा का मंदिर भी है। हमें इसलिए अपने शरीर को बहुत ही ध्यानपूर्वक संभालना है। मैं एक और बार वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुरिन्थियों की पहली लेख 6 अध्याय और उसकी वर्स नंबर 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुमसे बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। मैं ये आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते, क्या हम ये जानते हैं कि हमारा देह जो है, यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर, हमारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस संसार में बहुत लोग विश्वास करते हैं कि शरीर जो है पाप का है, दोष का है, कष्ट है, वो है, ये है, अच्छा नहीं है। मगर बाइबल कहता है कि ये शरीर जो है प्रभु का दान है, भेंट है, और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसे हमें संभालना है। पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। ये पवित्र आत्मा रविवार के दिन आकर या प्रार्थना के टाइम पर आकर, फैमिली प्रेयर के टाइम पे आकर, जब हम इकट्ठे होते हैं और आपस में मिलजुल कर अपने मिलन को और अपने सहभागिता को हम पहचानते हैं, तब हमारे अंदर आके फिर वापस जाने वाली एक आत्मा नहीं है। जब हमारी भावनाओं में, जब हमारी सोच विचार में हम आत्मिक तौर से आगे बढ़ते हैं, बस तब आकर बसने वाला या आकर काम करने वाला पवित्र आत्मा नहीं है। मगर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाती है, और कहा गया है कि जो तुम में बसा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान हमारे शरीर में बसने के लिए, अपने शरीर को और उसके संग संग हमारे सोच विचार को, हमारे भावनाओं को, हमारे बोली को, हमारे चाल चलन को, हमारे भवन के अंदर जो वातावरण है उसको क्या हमने संभाला है? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसने वाली एक अवस्था में है, परिस्थिति में है, या बस आराधना के समय पवित्र आत्मा आकर बस जाती है? ठीक है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा उंडेल कर अपना 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 बना दिया, तब से ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसना चाहता है। क्या हम उसके लिए अपने जिंदगी को तैयार करते हैं? और तुम अपने नहीं हो, ये तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। हम हमारे नहीं हैं, तुम अपने नहीं हो, हमें खरीदा गया है। एक और आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसकी 20वीं आयत। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, हमें प्रभु ने दाम देकर ले लिया है, इसलिए अपनी देह को के देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारे बोली में, हमारी भावना में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेन देन में, हमारे हर एक राहों में परमेश्वर की महिमा के लिए। बस सेवकाई में नहीं, हाँ सेवकाई में जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, चमत्कार होता है, चंगाई होती है, छुटकारा होता है, आशीष होता है, तब जरूर प्रभु की महिमा होती है। मगर बस उधर ही नहीं, हमारी बोली में, हमारे रिश्ते में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेन देन में, हमारे जिंदगी के हर राह में प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु की, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा शरीर दे दें। मगर सच की बात यह है कि परमेश्वर की आत्मा हमें हमारे अंदर बसी हुई है, और हम परमेश्वर के आत्मा की मंदिर हैं। परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम अपने आप को इस तौर
तैयार करें। अगर आप याद करते हैं पिछले रविवार के दिन हमने ये मनन किया था कि जैसे हम अपने मंदिर को, इस मंदिर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान संभालते हैं, इस मंदिर के अंदर कोई भी रोग की सामर्थ, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी रोग के सामर्थ को अंदर आने के लिए ये पवित्र आत्मा का मंदिर जो है परमेश्वर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो इस मंदिर को तोड़ता है मैं उस मंदिर को तोड़ डालूंगा। तो हमारे लिए एक वायदा है, हमारे लिए एक बहुत अच्छा वायदा प्रभु ने दिया है। प्रभु का वचन ये वायदा देता है कि अगर हमारा शरीर जो है हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर के समान संभालें, जो हमारे अंदर बसता है, कब हमारे अंदर आ गया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तब से हमारे अंदर प्रभु की आत्मा बस जाती है। तो हमें कलीसिया से यह भी कहना है कि हमें अपने शरीर का देखभाल भी करना है। यह नहीं कि हम बहुत बॉडी बिल्डिंग या मेकअप में जाएं। मुझे याद है एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, बेटा बेटी समझ ले, जब तू मेकअप करना शुरू करेगा तब तेरा ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। वो भी सच की बात है, मेकअप के बारे में मैं नहीं कह रहा। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो जो है बस थोड़े दिनों के लिए, जो हमारी आत्मा जब इस शरीर में बसती है प्रभु के काम करने के लिए, और हमारे शरीर में जो हम करना प्रभु चाहते हैं वो करने के लिए बस थोड़े दिनों के लिए प्रभु ने इस शरीर को दिया। इसके बाद हमारा एक आत्मिक शरीर है, उसके बारे में आज नहीं और एक दिन बताना भी चाहता हूँ। हमारा अंदर जो आत्मिक शरीर है वो शरीर का भी बहुत बड़ा स्थान है, ठीक है, मगर हमारे शरीर की देखभाल करना, संभालना, शुद्ध रखना सब प्रभु चाहते हैं। हमें अपने आप को संभालना, ठीक ठाक से चलना प्रभु का वचन हमें सलाह देता है। क्या अपने शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान हम संभालने के लिए तैयार हैं? जब हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान संभालते हैं, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, हो सकता है मैंने पहले भी कहा, अगर दोहराता हूं तो माफ कीजिएगा, मगर हमारे शरीर को संभालते वक्त आज इस इन दिनों में जब हमें टाइम मिलता है, लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हैं, अगर आप उपवास के साथ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे शरीर में पवित्र आत्मा आकर बसने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बढ़ोतरी होने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। क्या आप पवित्र आत्मा के बढ़ोतरी के लिए उपवास के साथ इन दिनों में प्रार्थना कर सकते हैं? बस इतना ही नहीं कि हम कलीसिया में आकर जब मिलन होता है, जब हम एक साथ सहभागिता में है, तब उपवास और प्रार्थना में बैठ सकते हैं, नहीं, जब हम अकेला घर में बैठे हैं तब भी हम उपवास में आ सकते हैं, प्रार्थना में आ सकते हैं। ऑनलाइन प्रेयर हमारे लिए है, डेली फैमिली प्रेयर है, जूनी पास्टर जी हमारे लिए बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, अगुवे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के नाम से। मगर आपसे ये विनती है कि इन लॉकडाउन के दिनों में हम प्रभु की रखवाली के लिए, प्रभु की चंगाई के लिए, प्रभु की आशीष जो है हम पर आने के लिए, रखवाली हम पर बने रहने के लिए, हमें उपवास और प्रार्थना के साथ इन दिनों में देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। बहन लोग, जो लोग प्रेयर कर सकते हैं, आपसे विनती करता हूँ प्रभु के दास होने के नाते कि आप अपना समय लेकर इन प्रेयर में बने रहें, फैमिली प्रेयर में आएं और हर प्रार्थना में उपवास के साथ आने के लिए कोशिश करें। कि उपवास में क्या मतलब है, मैं सच में ये विश्वास करता हूँ कि उपवास का सबसे महत्वपूर्ण फायदा हमारे आत्मा में होती है, मगर उपवास तो आत्मा में नहीं करते, उपवास तो शरीर में करते हैं। जब हम बिना खाना, जब हम बिना खाए हुए जब हम आते हैं तो शरीर में तो उपवास होता है, तो शरीर से अधिक, मन में से अधिक हमारे आत्मा में परमेश्वर की काम बहुत बड़ी तौर से चलते हैं। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, मगर उसके बारे में कहने से पहले द फ्रिंज बेनिफिट्स, छोटा मोटा सा जो मतलब होता है, अच्छा भलाई होता है उपवास के द्वारा हमारे शरीर में, मैं उसके बारे में आपसे 2 या 3 मिनट में कहना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर हम करीबन 12 घंटे तक उपवास में बने रहते हैं तो हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स नाम के कुछ हार्मोन्स पैदा हो जाता है। अरे ये बाइबल से नहीं कह रहा, कोई मत पूछे पास्टर जी बताइए कौन से बाइबल के रेफरेंस से आप कह रहे हैं, बाइबल की बात नहीं कह रहा। तकनीक और विज्ञान हमें सिखाती है कि जब हम 12 घंटे तक उपवास के साथ रहते हैं हमारे शरीर में नेचुरली ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं। उसका फायदा क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे हर दिन हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, गिरते हैं, हमारे शरीर में जो चोट पहुंचती है, हमारे शरीर में जो वेयर एंड टेयर होती है वो
हील करने के लिए, उसको चंगा करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर में प्रभु ने रच लिया है एक सिस्टम, और वो होता है ग्रोथ हार्मोन्स। जब हम 12 घंटे तक विदाउट मेटाबॉलिज्म, मतलब बिना कुछ हमारे हमारे शरीर में जाए हुए, जब हम उपवास में बने रहते हैं, प्रभु का एक सिस्टम है हमारे शरीर में जो प्रभु ने सृष्ट किया है कि हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स आती है और मसल में, सेल में जब रिपेयर चलती है। उपवास सच में आत्मिक तौर में हमें बढ़ोतरी देता है, मगर 12 घंटे तक अगर कोई उपवास लेगा, बस प्रेयर भी नहीं करेंगे तो भी इसका फायदा होता है। मगर हम बिना प्रेयर के हंगर स्ट्राइक तो नहीं कर रहे, हम तो उपवास कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आप 18 घंटे तक उपवास में बने रहेंगे तो आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये वर्ड जरा नोट कर लीजिएगा, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी नाम का एक प्रोसेस हमारे शरीर में शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे शरीर में डैमेज्ड सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं सबको, जो हमारे शरीर में फायदा नहीं होता सबको उठाकर वो एनर्जी के तौर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो रोग डालने वाली बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, उसको भी पकड़कर उसको भी खत्म करने का एक शरीर में प्रभु ने जो सृष्टि में ही हमें दिया है एक मैकेनिज्म, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। आप रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। जब हम 20-21 घड़ी तक हम घंटे तक हम उपवास में रहते हैं, हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है, नहीं तो रुक जाता है। जब हम 72 आवर्स तक, 3 दिन तक उपवास में रह जाते हैं, साइंस सिखाता है कि हमारे शरीर में स्टेम सेल्स आना शुरू करता है। स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में डैमेज हो गया जो सेल, उसको बाहर धकेल कर नए सेल को इस्तेमाल करना है। जब एक बच्चा अपने माता के पेट में जब पड़ता है, तब उस छोटे से शरीर में, या जब वो छोटा सा माँ के पेट में होता है, तब उसके अंदर स्टेम सेल्स बहुत होते हैं। मतलब वो हार्ट का सेल्स नहीं, लिवर का सेल नहीं, किडनी का सेल नहीं, वो कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होता। मगर जैसे ही वो बच्चा बढ़ने लगता है, तब ये स्टेम सेल्स आकर इस प्रकार के फंक्शंस के लिए इधर उधर शरीर में बांटा दिया जाता है। इसी प्रकार जब 72 आवर्स तक हम उपवास और प्रार्थना में रहते हैं, तब साइंस बताता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, स्टेम सेल्स आना शुरू करता है। इसका मतलब यह है, अगर हार्ट में कोई सेल डैमेज हो गया तो ये स्टेम सेल को लेकर, ये जो डैमेज हो गया है वो सेल को बाहर निकाल कर वो स्टेम सेल्स, नया सेल हमारे शरीर के अंग में आ जाता है। ये होता है हमारे शरीर का फंक्शन उपवास में। और भी कहने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, नेट में आप सर्च कर सकते हैं, मगर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप उपवास लेंगे, हमारे शरीर के लिए फायदा है, हमारे शरीर के लिए भला है, अच्छा है। मगर हम हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं लेते ये फास्टिंग। जब हम फास्टिंग लेते हैं, हमारे मन में भी बहुत कुछ असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारे ब्रेन में फॉग बोलते हैं अंग्रेजी में, फॉग आ जाता है। इसका मतलब क्या है? हम सोच नहीं सकते, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स में इसका प्रॉब्लम हो जाता है। मगर जब उपवास लेते हैं, साइंस बताता है कि हमारे ब्रेन में से जो कुछ निकलना है निकल जाता है, और हमारे सोच विचार में, हमारी थिंकिंग क्लैरिटी में बढ़ोतरी आ जाती है। मगर हम फास्टिंग लेते हैं उसके लिए नहीं। हम क्यों फास्टिंग लेते हैं? जब हम फास्टिंग लेते हैं, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर के समान संभालने में उसका एक साइड तो है, मगर उससे बढ़कर हमारे मन को प्रभु के सामने नम्र करने के लिए, और उससे अधिक बढ़कर हमारे आत्मा में हम परमेश्वर के लिए खुल जाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि अपने मुंह को खोल दें तो उंडेल देगा पवित्र आत्मा को परमेश्वर। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा को उंडेल देने के लिए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के कामों को हम प्राप्त करने के लिए, हमारे मुंह को खोलने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। और किस प्रकार हम हमारी आत्मा के मुंह को खोल सकते हैं ताकि हम अधिक प्रभु से पाएं? जब हम उपवास में आते हैं, हमारे मुंह को खोल सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा कुप्पी है, ये कुप्पी आपके सामने दिखाना चाहता हूं। अगर इस कुप्पी के मुंह को मैं खोल दूं तो इसके अंदर जिस प्रकार पानी उंडेल सकता हूं, उसी प्रकार जब मेरी आत्मा के मुंह को मैं खोल दूंगा,
मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मेरे अंदर प्रभु उंडेल देता है। क्या उंडेल देता है? जो कुछ जरूरी है पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर उंडेल देता है, चंगाई, छुटकारा, धैर्य, हमारे मन में जो हम चाहते हैं, हमारे आत्मा में जो अनुग्रह और आशीष हम चाहते हैं, सब कुछ उंडेलने के लिए प्रभु तैयार है जब हम हमारे मुंह को खोल देते हैं। और किस प्रकार इस मुंह को खोल सकते हैं या इस कुप्पी के मुंह को खोलने के लिए, एक ही सलाह आपको देना चाहता हूं, उपवास और प्रार्थना। इन दिनों में जब COVID-19 के सेकेंड वेव के साथ हम लॉकडाउन में हैं, तो मैं ये जानता हूं कि हमारे भलाई के लिए प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। इस प्रकार हम इसको संभाल लें और इस प्रकार हम अपने आप को संभाल लें, उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में इन दिनों में हम बने रहें, ताकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर के समान हम अधिक गहराई में आत्मिक तौर से बढ़ोतरी प्राप्त करें। बस उतना ही नहीं, प्रभु का वचन रोमियो की किताब की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रोमियो की किताब और उसकी 12वीं अध्याय, चैप्टर नंबर 12, और पहले आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा या परमेश्वर की दया स्मरण करते हुए हमारे जिंदगी में हर स्तर से अगले स्तर तक जाने के लिए परमेश्वर की दया की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर मैं बोलूं कि जब पापी थे हम, उधर से जब प्रभु हमें पवित्रता में लाने के लिए, उद्धार देने के लिए जब चाहते हैं, अगर किसी के अंदर नम्रता या प्रभु का दया प्राप्त नहीं करते, कोई भी पाप की दलदल से बाहर नहीं आ सकता अगर किसी को प्रभु ने देख लिया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बहुत लोगों के जिंदगी में क्या होता है, कभी कभी जब उनके जिंदगी में रुकावट और बहुत बड़े बड़े समस्या आ जाती है, जब मन टूट जाती है, तब वो प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु कहता है मेरी दया तुझ पर पड़ गई, मेरी करुणा तुझ पर आ गई। और जब करुणा और दया से प्रभु हमें देखते हैं, उस पाप की दलदल से उठाकर, कीच से उठाकर प्रभु हमें उद्धार देते हैं। और जब हम उधर आ जाते हैं, तब हम और उपवास के साथ नम्र करते हुए प्रभु की दया के लिए प्रेयर करते हैं, प्रभु में नेक्स्ट स्तर पर ले जाते हैं, अगले स्तर पर अभिषेक देते हैं, अगले स्तर पर प्रभु में उद्धार देते हैं, छुटकारा देते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि अगले स्तर पर जाने के लिए प्रभु चाहता है कि प्रभु की दया के द्वारा प्रभु हमें ले जाए। जब हम उधर पहुंच जाते हैं, अगर हम घमंडी हो गए और हम बोलते हैं हाँ हम तो बहुत इधर आ गए, पिछले 10 साल से 20 साल से हम विश्वास में हैं, हमारे लिए सब कुछ है, हमारा आर्थिक समस्या हो गया, हम अब बस खत्म हो गया, हमारे जो कुछ रिश्ते में जो कुछ था वो प्रॉब्लम सब सेटल हो गया, हम सब अभी तो एक अच्छे स्तर पर आ गए, अब बस इतना काफ़ी है, हम किधर थे, कहाँ तक आ गए, अगर हम उधर खुश हैं और अगर अपने आप को नम्र ना करें और प्रभु की दया के लिए नहीं मांगे, तो नेक्स्ट स्तर पर नहीं जा सकते। मगर जब नेक्स्ट स्तर पर जाने के लिए हम रोते हैं, आंसुओं के साथ प्रेयर करते हैं, टूटे हुए दिल से प्रेयर करते हैं, प्रभु नहीं, हमें इधर तक आपने उद्धार दिया, छुटकारा दिया, आशीष दिया, अनुग्रह सबके लिए धन्यवाद, मगर अगले स्तर तक मैं पहुंचना चाहता हूं, आपके आत्मा को प्राप्त करना चाहता हूं, आपके अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूं। टूटे दिल से जब नम्रता के साथ, उपवास के साथ मन को हम नम्र करते हुए, हमारे आत्मा को हम प्रभु के चरणों में सौंपते हुए प्रेयर करते हैं, प्रभु की दया के द्वारा अगले स्तर तक अभिषेक की ओर प्रभु ले जाते हैं। उधर से प्रभु बोलता है ठीक है, अगर हम उधर खुश हो गए, अरे अब तो मैं अन्य भाषा के साथ प्रार्थना कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, अगर आप तृप्त हो गए तो उधर ठहर जाएंगे। मगर अपने आप को नम्र करते हुए, टूटे दिल से प्रेयर करते हैं, नहीं प्रभु हमें और भी ऊंचाई पर जाना है, तो प्रभु हमें और भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। मगर सबके पीछे रहस्य क्या है, सबके पीछे चाबी क्या है, सबके पीछे एक ही रहस्य है, वो है प्रभु की दया। और इधर कहते हैं प्रभु की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। अगर आपको अगले स्तर तक जाना है, तो रहस्य क्या है, चाबी क्या है? चाबी यही है कि प्रभु की दया। क्या आपकी जिंदगी में आप प्रभु की दया प्राप्त करने के लिए चाहते हैं और प्रभु की दया से अगले स्तर तक जाना चाहते हैं? तो कहा गया है, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। अर्थात प्रभु का, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको परमेश्वर के चरणों में सौंप दें और कहें हाँ परमेश्वर, ये बलि के समान मैं इस शरीर को आपके सामने भेंट देता हूं,
ताकि आपकी दया आ जाए और अगले स्तर तक मुझे उठाकर ले जाए। और मेरी विनती यह है कि मेरे शरीर को आपके पवित्र आत्मा के मंदिर के समान मैं संभालता रहूं, पवित्रता में, प्रभु के राहों में, प्रभु के आशीष में बढ़ते हुए, प्रभु के उद्देश्य और प्रभु के पद्धति के अनुसार अपने जिंदगी में बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे हर राहों में आपके महिमा करने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर की भावता हुआ और जीवित और पवित्र बलि के समान अपने शरीर को जब हम देते हैं, प्रभु कहता है तेरा शरीर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा है, मूसा के सामने लाल समुद्र है और मूसा कहता है प्रभु क्यों मुझे इधर लाकर इधर ऐसे प्रॉब्लम में डाल दिया। प्रभु कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुझे मैं बाहर ले जाऊंगा। बोलते नहीं प्रभु मैं समझता नहीं हूं, मैं जंगल में था, मैं बोलता था मुझे छोड़ दो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। जब मैं एक बार मिस्र देश से भाग कर गया 40 साल, हम में से अनेकों का उम्र भी 40 तक नहीं पहुंचे। 40 साल में एक राजा होने के बाद, अगले 40 साल तक राजा मतलब राजकुमार होने के बाद, राजधानी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर, सोच लीजिए, उधर भेड़ बकरी को संभालता था और मैं तृप्त था, बोलता था बस ये अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाना नहीं चाहता, अब मुझे आपने जबरदस्ती कर इधर लाया है। अब देखो लाल समुद्र सामने, पीछे फिरौन की सेना और मैं कहा हूं ऐसे लोगों के बीच में जो ऐसे मुझे पीड़ित करते हैं, मालूम पत्थर लेकर मारने के लिए तैयार है, क्या करूं मैंने बोला था मुझे छोड़ दो, ये कौन किसका आइडिया है? प्रभु बोलेंगे मेरा आइडिया तुम, बस मगर तेरा शरीर जो है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। आज कोविड के समान एक परिस्थिति में पहुंच गए थे, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लाल समुद्र है, पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, बीच में है ऐसे लोग जो पत्थर मारकर जान से मार डालना चाहते हैं, क्या करूं प्रभु? प्रभु बोलते कोई बात नहीं, तू मत रो, हे मूसा तू मत रो, तेरे शरीर को, तेरी आवाज को मैं उठाना चाहता हूं, इस्तेमाल करना चाहता हूं। आपसे प्रभु की वचन से मैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं, आप जो हैं आपके परिवार में, आपके उस गली में, आपके उस गांव में, आपके उस शहर में, आपके उस परिस्थिति में जहां आपके अधिकार को प्रभु ने दिया है, उस परिस्थिति में प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं, प्रभु चाहता है कि आपके शरीर को प्रभु इस्तेमाल करें। और जिस प्रकार मूसा से कहा अपने हाथ को, लाठी उठाकर अपने हाथ को लाल समुद्र की ओर बढ़ा ले, और जैसे ही प्रभु ने वो आज्ञा दी और लाल समुद्र की ओर हाथ उठाया, उधर एक राह बन गया। आपके लिए प्रभु एक राह बनाना चाहता है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे देश, हम तो देश के लिए आज प्रेयर करेंगे, मगर पूरे देश का अधिकार ये नहीं विश्वास करता कि एक व्यक्ति के हाथ में दिया गया है, मगर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साथ जो प्रभु ने दिया है उनके लिए एक राह बनाने के लिए प्रभु आपके हाथ में अधिकार देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। और बस इतना ही नहीं, हमारी आवाज को प्रभु उठा देंगे, प्रभु उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं लुका रचित समाचार पहले अध्याय और वर्ष नंबर 41 में देखते हैं, जब मरियम की आवाज एलिजाबेथ के कानों पे पड़ी, तब कहा गया है कि उनके अंदर जो बच्चा था उछलने लगा। और बस उतना ही नहीं, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ गई। मैं ये विश्वास करता हूं जब आप वचन दोहराते हैं, जब आप वचन बोलते हैं, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा आपके शरीर में मंदिर के समान आपके शरीर को बनाकर, पवित्र आत्मा का मंदिर जो आपका शरीर है, आप में बसे हुए हैं, आप वचन बोलेंगे, आप हाथ उठाएंगे, आप प्रेयर करेंगे, आपके वचन के अनुसार परिस्थिति बदल जाएगी। मैं ये विश्वास करता हूं हिंदी कलीसिया के लोग और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए वायदा है, सबके लिए आत्मा का सामर्थ्य है जो प्रभु आपके अंदर उंडेल रहा है इस कोविड सीजन में। हो सकता है आपके आस पड़ोस में आप बहुत अंधियारा और बहुत कष्ट देख रहे हैं, उनके साथ हमारा मन भी, हम सच में उनके साथ हैं, मगर आपके लिए एक राह खोलने के लिए प्रभु सक्षम है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए हम देश के लिए प्रेयर करेंगे। हम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे अधिकार में जो भी हैं, सबके लिए प्रेयर करेंगे। और हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए, सब डिपार्टमेंट्स के लिए प्रेयर करेंगे।
हम ये भी प्रेयर करेंगे कि बहुत लोग जो कठिनाइयों से, आर्थिक समस्या से, उससे अधिक जिनके जिनके परिवार में लोग गुजर गए हैं और दुख में हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे कि प्रभु उन्हें आशीष, उन्हें 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 धैर्य दें और उन्हें संभाल लें। और जो बहुत बड़े कठिनाई में पड़ गए हैं उनके लिए विनती करेंगे कि प्रभु आज जैसे हम आपके चरणों में आए हैं उनको संरक्षण दे, उनको छुटकारा दे, उनको प्रभु आप एक राह दिखा दे, उजियाला भेज दे। देश के लिए हम विनती करते हैं, करेंगे। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में प्रभु एक बहुत बड़ा छुटकारा, चमत्कार प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपकी ज़िंदगी में कर देगा, ताकि आप खुशी के साथ और आप धैर्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्या हम एक साथ प्रेयर करें? प्रभु, हम आपके कलीसिया होने के नाते एक साथ आते हैं और आपका वचन जिस प्रकार हमें कहता है, हम देश के लिए विनती करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए, हमारे अधिकार में जो भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी हैं, मेडिकल स्टाफ जो भी है, हर व्यक्ति के लिए हम विनती करते हैं कि आप उन्हें सामर्थ्य दे। प्रभु, आप उन्हें जो कुछ ज़रूरी है सब कुछ दे दे, ताकि वो एक ठीक ठाक से अपना काम कर पाएं और जो निर्णय लेना है वो ले पाएं। हम विनती करते हैं कि आप इसी प्रकार आपके लोगों को आशीषित कर दें, इस देश को आप दया करते हुए छुटकारा दे दें। प्रभु, बहुत लोग प्रभु बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे हैं, उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं ताकि आपकी दया उन पर आ जाए। हम राज्य के लिए विनती करते हैं कि आपकी उजियाला आने के लिए प्रभु ये सब आखिर भलाई के लिए हो जाएं, ताकि इस देश में आपके नाम की महिमा और हमारे आशीष का कारण हो जाएं। इस विपत्ति और इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपके सामर्थ्य को उंडेल कर हमें छुटकारा देने के लिए, दया करने के लिए हम देश के लिए विनती करते हैं प्रभु। और इसी वक्त आपके बच्चों के लिए जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए आज विनती करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर का रखवाली आप करें। प्रभु, हमारे हर एक व्यक्ति के लिए हम विनती करते हैं कि आपके नाम की महिमा के लिए हम गवाही बन जाएं। आने वाले एक हफ्ते में आपकी नाम की महिमा हमारे जिंदगी के द्वारा हो जाए, हमारे हर एक भवन में आपके नाम की महिमा हो जाए, हर एक व्यक्ति में आपकी आशीष बढ़ जाए। आपके हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। अगले रविवार के दिन प्रभु की इच्छा है तो हम मिल जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। एक उत्तम संदेश के बाद ये समय है परमेश्वर के राज्य में कुछ बोने का। जी हाँ, जैसे ही हम विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में हम कुछ देंगे, परमेश्वर अपने आकाश के झरोखों को खोल कर हमें नामो नाम आशीषों से भर देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, ये हम सब की गवाही है, इसलिए तो हम परमेश्वर के राज्य में भेज देते हैं। आपके स्क्रीन पे QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जाएंगे, ये इसलिए है ताकि हम आपको एक अवसर देना चाहते हैं और आप भी परमेश्वर के राज्य में बोकर वो आशीषों को प्राप्त करने पाए। गीत को गाएंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं। तालियों के साथ हम गीत को गा के उसकी आराधना करेंगे। वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा न भुलाएगा। वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वादा न भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा न भुलाएगा।
चाहे दुश्मन मुझको मिटाने का प्रयत्न करे, चाहे मेरे अपने भी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, चाहे दुश्मन मुझको मिटाने का प्रयत्न करे, चाहे मेरे अपने भी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, नहीं नहीं मैं डरूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं हारूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं डरूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि यीशु जो मेरे संग है, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं कभी भी नहीं वो वादा न भुलाएगा। चाहे हालात की आंधी मेरे मन को चूर करे, चाहे मैं ना फिर संभल पाऊं ऐसा लोग कहते रहे, चाहे हालात की आंधी मेरे मन को चूर करे, चाहे मैं ना फिर संभल पाऊं ऐसा लोग कहते रहे, नहीं नहीं मैं रुकूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं थकूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं रुकूंगा नहीं, नहीं नहीं मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि यीशु जो मेरे संग है, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, वादा जो किया था वो ना भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा न भुलाएगा, नहीं नहीं कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी भी नहीं वो वादा न भुलाएगा, वो वादा न भुलाएगा, वो वादा न भुलाएगा। एक सुंदर आराधनाओं की भेंट चढ़ाने के लिए हमें प्रभु ने सहायता की है, वचन से हमसे बात कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आज के संदेश, आज के इस आराधना आप सबके लाइफ में आशीषित रहा होगा। इस समय हम चढ़ाए हुए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो क्या हम लोग मिलकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी इस चढ़ाए हुए इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपकी असाधारण सामर्थ्य हमारे साथ बना रहा, वचनों से हमसे बात करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आपकी सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आप प्रभु हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो आज के इस प्रभु जी इस बेंट के समय पर प्रभु जी बेंट चढ़ाए, उन सारे व्यक्तियों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके लहू से शुद्ध करके उसको आशीष करने के लिए, उन सारे व्यक्तियों के स्रोतों को आशीष करने के लिए, हर एक परिवारों को आप सुरक्षित रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज के इस आराधना, प्रभु जी अनेकों की लाइफ में बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आगे भी हमें चला, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। इस सप्ताह की सूचनाओं के लिए, जैसे कि ये जानते हैं कि हमारी सरकारी नियमों के कारण, इस महामारी के कारण हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर आराधना कर रहे हैं, हमें बताना चाहते हैं कि हम सब के लाइफ में जो प्रभु की आशीष पिछले हफ्ते तक बना रहा, वो सामर्थ आज भी हमारे साथ बना रहेगा, इस पूरे हफ्ते प्रभु संभालने के लिए प्रभु चाहते हैं, और
मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया एक तरीके की मुसीबत से गुजर रहे हैं, परंतु आप ये विश्वास करना ज़रूरी है कि इस पूरे हफ्ते में प्रभु हमें चलाएंगे। चाहे कितने बड़े आंधियाँ भी आ जाए, कितने बड़े मुसीबतें भी आ जाए, चलाने के लिए प्रभु हमारे साथ रहेंगे। विश्वास में रहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बेथली चर्च की इस रविवार आराधना में भले ही ये ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है, परंतु इस पूरे हफ्ते इस रविवार आराधना के समान ही हमारे गूगल मीट में हमारी फैमिली प्रेयर रहेगी। और बेथली चर्च के बेंगलोर में के विश्वासियों के लिए बताना चाहते हैं कि हमारे एरिया मीटिंग्स इसी तरीके से हम पिछले जैसे पिछले हफ्ते तक चल रहा था, वैसे ही इस हफ्ते भी चलेगा। परंतु यदि हमें से कोई है जो आज तक बेथली चर्च के फैमिली प्रेयर में, पारिवारिक प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप भी जुड़ने के लिए एक मौका है। अगर आपको जुड़ना है, अगर आप चाहते हैं, तो कृपया करके इस स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पर, बेथली चर्च के ऑफिस नंबर पर, आप अपना नाम और अपना पता बताइए और आप बताइए कि फैमिली प्रेयर में जुड़ना है, तो हम लोग हमारे डेटाबेस में आपके नंबर को हम जोड़ देंगे और आप तक हर दिन के फैमिली प्रेयर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपने जन्मदिन और अपने वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको आशीषित करें। यदि हमें से कोई है जो इस पहले बार इस ऑनलाइन माध्यमों में जुड़ रहे हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बेथली चर्च के इस लाइव आराधना में आप सबको स्वागत करना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि आज की सर्विस आपके लाइफ में आशीषित रहा, और हम चाहते हैं कि आगे भी इस हर रविवार ठीक 12 बजे इस रविवार आराधना में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी इस प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में बड़ी आशीष का कारण बनने पाए। आप अपने इस लिंक को अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से भी शेयर करने के लिए यू आर फ्री टू डू इट, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस आराधना न केवल आपके लाइफ में परंतु अनेकों के लाइफ में एक आशीष का कारण बना रहेगा। आइए इस सुबह के इस सेशन को हम प्रार्थना के विराम देंगे। और इस हफ्ते जन्मदिन और किसी भी तरह की वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और यदि हमें से कोई है जो बीमारी, कोई भी किसी भी तरह की महामारी से या किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, तो कृपया करके आप अपना हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाइए। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपके लिए चमत्कार करने के लिए परमेश्वर आपके कोने में आने के लिए, आपके रूम्स के अंदर आने के लिए प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन या किसी भी तरह की एनिवर्सरीज मना रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, उन सारे लोगों के अंदर आपकी बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु जी, पिछले 1 साल आपने चलाए प्रभु जी, आगे भी प्रभु जी इस साल आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, पूरे प्रभु जी भारतवर्ष एक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, परंतु आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं सारे लोगों के लिए जो प्रभु जी आज जुड़े हैं। प्रभु जी, आपकी असीम कृपा हर एक व्यक्ति को संभालने के लिए, आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें आप संभालिए, आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह हमारे साथ बने रहने पाए। प्रभु जी, आपकी विशेष सामर्थ हम सबके लाइफ में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी आज उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पहली बार जुड़े हैं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सर्विस उनके लाइफ में, उनके परिवार की जिंदगी में, उनके सारे मुसीबतों के मध्य में भी इस हफ्ते चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यदि हमें से कोई है जो महामारी से, इस प्रभु जी को बीमारियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस आवाज के प्रभु जी सीमा के अधीन में रहने वाले प्रभु जी अंतर्गत रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा आपकी चंगाई उन शरीरों के अंदर बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
यीशु मसीह के नाम से हर बीमारियों को हम तोड़ देते हैं, हर प्रभु जी मुसीबतों को हम डांट देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी यीशु के नाम से हर एक शरीर इस समय प्रभु जी बलवंत होने के लिए, आपकी सामर्थ पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए इस पूरे हफ्ते आप में चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो अपने आर्थिक तंगियों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उस आर्थिक समस्याओं से प्रभु जी बाहर आने के लिए हम आज्ञा करते हैं। कर्ज की बोझ हम प्रभु जी तोड़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए सारे लोगों को, आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमेन आमेन आमेन। आप पिता के प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु मसीह के पुनरागमन तक हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूं कि आप भी अगले हफ्ते ठीक 12 बजे इस बेथली चर्च के लाइव आराधना में जुड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।